इन वन मिलीलीटर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन का नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे कितना होगा ठीक है तो बच्चों यहाँ पे देखो कौन सी गैस है अपनी यहाँ पे हमारी ऑक्सीजन गैस है ठीक है कौन सी गैस है ये ऑक्सीजन गैस है तो बच्चों यहाँ पे जो अपना ऑक्सीजन गैस है ये कैसी गैस है ये बच्चों अपनी डायटोमिक गैस है ठीक है ये अपनी एक डायटोमिक गैस है तो डायटोमिक गैस के लिए बच्चों जो अपना डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है एफिकल टू होता है फाइव टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द इज फाइव ओके अब फाइव कैसे कैसे होती है तो थ्री होती है यहां पे बच्चों अपनी ट्रांसलेशनल थ्री डिग्री होती है यहां पे हमारी uh, ट्रांसलेशनल और टू डिग्री होती है यहां पे हमारी रोटेशनल ठीक है बट हमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल वाला ठीक है तो यहां पे देखो हमारा जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है बच्चों, एवरेज काइनेटिक एनर्जी के वो होता है बच्चों हाफ एफ आर के इक्वल ठीक है एफ होता है बच्चों यहां पे हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम डिग्री ऑफ फ्रीडम ठीक है बच्चों, तो अब यहां पे हमें देखना है एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ठीक है बच्चों तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कैस कौन सी वाली यूज करेंगे ट्रांसलेशनली यूज करेंगे ठीक है बच्चों तो ये आ जाएगा यहाँ से हमारा थ्री बाई टू आर टी ठीक है अब नाउ यहां पे देखो हमसे बात की गई है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे ठीक है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे ठीक है और वॉल्यूम कितना है वन मिलीलीटर ठीक है तो इसको मीटर क्यूब में अगर चेंज करेंगे बच्चों वन मिलीलीटर को ठीक है तो वो कितना आ जाएगा क्या हो जाएगा टेन टू पावर माइनस थ्री ओके मिली मिली लीटर है ओके मिली लीटर ऑफ वॉल्यूम है ओके तो वन इसका मतलब हो जाएगा वॉल्यूम यहाँ पे हमारा टेन रिज टू पावर माइनस सिक्स के इक्वल ठीक है और बच्चों यहाँ पे जो प्रेशर होगा हमारा ठीक है प्रेशर हो जाएगा क्योंकि थ्री बाई टू आर टी को देखो बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं थ्री बाई टू पी वी ठीक है आइडल गैस इक्वेशन से ठीक है तो काइनेटिक एनर्जी यहां से हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी थ्री बाई टू पी वी के इक्वल ठीक है तो यहाँ पे बच्चों प्रेशर कितना होता है नॉर्मल वो होता है टेनरेस टू पावर फाइव न्यूटन ठीक है तो ये हो जाएगा टेनरेज टू पावर फाइव ठीक है तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के ई टी एवरेज ठीक है एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना जाएगा टू और प्रेसर है टू और वॉल्यूम कितना होगा यहाँ पे हमारा वॉल्यूम की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे हमारी बच्चों माइनस एक्स ठीक है तो माइनस ये हो जाएगा वन पॉइंट फाइव इंटू में टू पावर माइनस वन बचेगा यहाँ पे तो एवरेज जो बच्चों अपना ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो कितना आ रहा है से 1.5 टू पावर जूल के इक्वल ओके तो इन दिस क्वेश्चन हमें यही कैलकुलेट करना था ठीक है अब बच्चों अपना ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन देखो पावर की फॉर्म में नहीं दे रखा तो टेनरेवर माइनस वन को यहाँ पे हम जो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है हमारा वो कितना आ जाएगा इसको लिख सकते हैं पॉइंट लिख सकता हूं इसको इन में